नीट रिजल्ट जारी होने के साथ ही एनटीए कैंडिडेट को मिले मार्क के आधार पर ऑल इंडिया रैंक यानी नीट मेरिट लिस्ट 2021 जारी करेगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट को समान मार्क मिलता है तो किसे हायर रैंक मिलेगी और किसे नीचे की रैंक दी जाएगी, इस बात का फैसला कैसे किया जाएगा। एक से ज़्यादा स्टूडेंट को एक बराबर मार्क मिलने पर नीट टाई ब्रेकिंग फॉर्मूला लागू करता है। एनटीए पहले ही इस फॉर्मूला के बारे में बता चुका है। इसी के आधार पर समान अंक पाने वाले स्टूडेंट को मेरिट लिस्ट में रैंकिंग दी जाएगी। तो चलिए समझते हैं इस नीट ट्राई बैकिंग के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर एक से ज़्यादा स्टूडेंट को समान मार्क मिलता है तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि किसे बायोलॉजी में ज़्यादा मार्क मिले हैं। जिसे बायोलॉजी में ज़्यादा मार्क मिले होंगे उसे हायर रैंक दी जाएगी। इसके बाद भी किसी से मार्क मैच करता है तो केमिस्ट्री का स्कोर देखा जाएगा। यानी जिस कैंडिडेट को केमिस्ट्री में ज़्यादा मार्क मिले होंगे उसे दूसरे की तुलना में हायर रैंक मिलेगी। तीसरे स्तर पर टाई ब्रेकिंग का फॉर्मूला इस बात से किया जाएगा कि किस स्टूडेंट ने कम गलत जवाब दिए हैं। जिस स्टूडेंट ने सभी विषयों में कम गलत जवाब दिए होंगे उसे मेरिट लिस्ट में हायर रैंक मिलेगी। नीट 2021 टाई ब्रेकिंग के लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री में ज़्यादा मार्क के बाद ये तीसरा नियम लागू होता है। टॉप 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए एनटीए मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। नीट यूजी 2021 ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए तैयार ये मेरिट लिस्ट डायरेक्ट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार को भेज दी जाएगी। इसी के आधार पर ऑल इंडिया नीट ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू की जाएगी। अन्य सभी क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट स्टेट काउंसिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं।